राजस्थान क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है? राजस्थान के आंकड़े और अलग अलग जगहों के जो वहाँ का को जो अलग अलग पार्ट में, पांच पार्ट में बांटा गया है, उस आधार पर ज़रा हम देखना चाहते हैं कि क्या आखिर वहाँ पर अशोक गहलोत फिर से अपनी सरकार बना पाते हैं या नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में वहाँ सरकार बनती है, क्योंकि वसुंधरा राजे का नाम तो ले ही नहीं सकते उन, और जो सात वहाँ सांसद उतारे गए हैं उनका नाम भी नहीं ले सकते। तो आखिर होने क्या जा रहा है, ये ज़रा समझें और जानने की कोशिश हम करें कि आखिर हो क्या रहा है राजस्थान में। राजस्थान के आंकड़े चाहता हूँ कि ज़रा स्क्रीन पर अगर ला सकते हैं तो ले आइए। और राजस्थान के जो आंकड़े हैं वो हैं, 200 सीटें हैं, आप जानते हैं 200 सीटें, और इन 200 सीटों में से 91 से 107 सीटें आ रही हैं कांग्रेस के खाते में, बीजेपी के खाते में 85 से 101 सीटें और अदर्स के खाते में 4 से 12 सीटें आ रही हैं। हाँ, और अलग अलग पांच भागों में बटा हुआ राजस्थान, जहां हड़ौती की 17 सीटें जिसमें से कांग्रेस 6 से 8, बीजेपी 9 से 11 और अदर्स के खाते में 0। मेवाड़ की 43 सीटें हैं, 43 सीट्स हैं मेवाड़ की, 43 सीट्स में से यहाँ हम देख रहे हैं कि 17 से 21 सीटें मेवाड़ में कांग्रेस के खाते में आ रही हैं, और जबकि बीजेपी के खाते में 20 से 24 सीटें आ रही हैं और अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटें यहाँ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही शेखावटी है, जहाँ 12 से 14 सीटें कांग्रेस के खाते में और 6 से 8 सीटें बीजेपी के खाते में और 0 से 2 सीटें जो हैं वो आ रही हैं अदर्स के खाते में। और ढूंढार सीट है, एरिया है जहां 58 से हड़ौती है, ढूंढार में 81, हड़ौती ये ज़रा गड़बड़ दिख रहा है मुझे, हड़ौती की जगह ढूंढार लिख दिया गया है, ढूंढार की जगह हड़ौती लिख दिया गया है, लेकिन ज़रा इन आंकड़ों को जो ओरिजिनल आंकड़े हैं उनको आप देखें तो ये अलग अलग आंकड़े हैं। और सबसे बड़ी बात की 200 में से 107 मैक्सिमम और 91 कांग्रेस, 91 से 107 सीटें कांग्रेस के खाते में और बीजेपी के खाते में 85 से 101, 4 से 12। जरा फटाफट आना चाहता हूं पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी, फिर आप तमाम लोगों के बीच, और अब पांच राज्यों के आंकड़े आप लोगों के बीच में हैं। और अगर ऐसे देखा जाए तो कांग्रेस यहां 102 सीटों के साथ सरकार बनाते हुए दिखाई, 104 सीटों के साथ सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है, 101 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। कितनी मजबूत सरकार यहां दिखेगी आपको डॉक्टर राकेश पाठक जी? 91 से 107, 85 से 101। राजीव जी, सचिन पायलट के एपिसोड के बावजूद अगर इतनी सीटें कांग्रेस लेकर आ रही है तो ये सचमुच कांग्रेस के लिए बहुत करिश्मा होने जा रहा है। पूरे 5 साल जिस तरह से सचिन पायलट लड़ते झगड़ते रहे, अशोक गहलोत उनके खिलाफ बयान देते रहे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहे, मानेसर का जो भ्रमण हुआ, यानी सरकार गिराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी सचिन पायलट ने। उसके बाद चुनौती सामने आई नए कांग्रेस अध्यक्ष के, मल्लिकार्जुन खड़गे के, उस वक्त भी अशोक गहलोत का नाम चला राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जोड़ी के सामने चुनाव जीतने से भी पहले, चुनाव में जाने से पहले कोई बड़ी चुनौती थी तो वो थी गहलोत और पायलट को एक साथ एक नाव में सवार करना, और उसमें वो जैसे तैसे सफल हो गए। हमने टिकटों की सूची देखी, किन किन लोगों को टिकट मिल गए, जो लोग विधायक दल की बैठक में जाने से रोक रहे थे, जो मानेसर हो आए थे सचिन पायलट के साथ, तमाम सारे बागियों को भी टिकट कांग्रेस आला कमान ने दे दिया। उसके बाद इतने लड़ाई झगड़े के बाद अगर कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है तो इसकी एक वजह कांग्रेस नहीं है, खुद भारतीय जनता पार्टी, खुद मोदी शाह का नेतृत्व है, जिसने राजस्थान की एक छत्र नेता वसुंधरा राजे को हाशिए पर ले जाने की कोशिश की। खुद वसुंधरा राजे का नाम तरस गया अपना नाम देखने के लिए सूची में, उनका अपना राजघराना धौलपुर है, राजीव जी राजाखेड़ा सीट है धौलपुर की, उसका नाम, उसके प्रत्याशी का नाम परसों रात को घोषित हुआ है। यानी मोदी शाह और बीजेपी आला कमान ने वसुंधरा राजे को पूरी तरह से दरकिनार करने की कोशिश की,
सामने उनके दिया कुमारी और दूसरे विकल्प खड़े कर दिए। स्थिति ये हो गई कि वसुंधरा राजे चुनावी राजनीति राजनीति से संन्यास लेने की बातें करने लगी। तो एक बड़ा कारण बीजेपी की अंदर की सिर्फ टब्बल है, मोदी शाह की जोड़ी की वसुंधरा राजे के साथ चली आ रही रार है, उसके कारण जो कुछ लाभ मिलने जा रहा है वो अशोक गहलोत को मिल सकता है। एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि अशोक गहलोत की सरकार ने जिस तरह से जनहितकारी योजनाएं लागू की हैं, जिस तरह की घोषणाएं की हैं, जिसमें खास तौर से वो जो स्वास्थ्य गारंटी वाला मामला है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है वे सारे कारण मिलकर ये आंकड़ा 102 से ऊपर पहुंचा रहे हैं, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी है। तो ये दोनों तीनों कारणों से मुझे लग रहा है सरकार बन सकती है कांग्रेस की। जी 17 सीटें, 6 से 8 सीटें कांग्रेस के खाते में, 9 से 11 सीटें यानी हरोती में बीजेपी थोड़ा आगे है, मेवाड़ में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन शेखावटी 21 सीटें, मेवाड़ में 43 सीटें हैं जिसमें 17 से 21 सीटें कांग्रेस और 20 से 24 सीटें, बहुत नेक टू नेक फाइट हम लोग देख रहे हैं अलग अलग एरिया में। शेखावटी 21 सीटें हैं, 21 में से 12 से 14 सीटें शेखावटी में कांग्रेस के खाते में और 6 से 8 सीटों पर सिमटती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, जबकि ढूंढाड़ में 58 सीटें, बहुत बड़ा एरिया ढूंढाड़, यहां 58 सीटें 58 सीट्स और वहां 28 और 32 कांग्रेस के खाते में, यानी 28 से 32 सीटों के बीच में कांग्रेस आ सकती है, जबकि 24 से 28 सीटें बीजेपी की आ सकती हैं, 1 से 3 सीटें यहां अन्य के खाते में दिखाई दे रही हैं। मारवाड़ आ जाइए, मारवाड़ में 61 सीटें, 61 सीट्स इस पूरे एरिया में, जबकि 61 में से यहां भी नेक टू नेक 28 से 32 सीटें कांग्रेस और 26 से 30 सीटें बीजेपी, 2 से 4 सीटें अन्य के खाते में। और इस प्रकार आप देखिए कि राजस्थान की 200 सीटों में से 91 to 107 और बीजेपी 85 to 101, 107 उधर और 101 इधर, या 91 और 85, 4 और 12, बहुत कांटे की टक्कर राजस्थान में, लेकिन कांटे की टक्कर के बीच यहां कांग्रेस बाजी मारती हुई, वहां कई लोग कहते भी हैं कि वहां के लोग बताते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और कई ऐसे एरियाज में आप देखें, ग्रामीण क्षेत्र में देखें, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के पक्ष में वहाँ माहौल दिखाई देता है। शहर और उसमें भी जो दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, उधर भले बीजेपी की बात करने वाले लोग सुनाई ज़रूर पड़ेंगे। आना चाहता हूँ एक एक करके, डॉक्टर राकेश पाठक जी ने अभी अपनी बात रखी है, ज़रा आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी एक बार आपके पास फिर से। ये आंकड़े आ गए हैं, आप अपने अंदाज में जो बातें कर रहे थे 3 राज्यों के, अब 3 नहीं बल्कि 4 राज्य आपके सामने हैं और सामने राजस्थान है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए मैं फिर सहमत नहीं हूं। देखिए एक चीज का ध्यान शायद हम लोग देना भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, जो कहे जाते हैं चाणक्य, जब 5 विधानसभा के चुनाव सिर पे हैं तो बिहार टूर पे चले गए। इस इंडिकेटर को जरा पढ़ने का प्रयास करें। मोदी जी जो जा ही नहीं रहे थे, अमित शाह जी भी बिहार के दौरे पे हैं, बिहार जहां पे चुनाव नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? दूसरी बात आप ये देखिए कि आप हवन कभी आपने किया होगा या हवन में कभी आप बैठे होंगे, हवन के अंदर जब आग बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, बहुत ज्यादा तेजी पकड़ लेती है, और जब वो आग बुझती है तो उसके बाद धीरे धीरे आग जो है कम हो जाती है और उसके बाद बिल्कुल छोटी छोटी चिंगारियां बसती हैं। आप भारतीय सामाजिक परिवेश को पढ़िए, 2014 और 2019 में ये जो हवन के अंदर की आग थी, इसमें बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी, और उस समय अगर कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी, आज वो आग आपको दिखाई नहीं पड़ती। आज जो है वो आग जो सामाजिक विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की आग थी, वो पूरे हिंदुस्तान में न केवल ठंडी पड़ी है बल्कि मोहब्बत की, जो प्रेम की धार है वो ऊपर। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार के चुनाव नहीं होंगे। देखिए मैं फिर अपनी बात कह रहा हूँ, 3 दिसंबर को मैं गलत होता हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, भविष्यवक्ता नहीं हूँ, एक प्रोफेसर हूँ, स्टैटिस्टिक्स की ट्रेंड एनालिसिस करता हूँ। मुझे लगता है इस प्रकार की कांटे की टक्कर नहीं होगी, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, एक प्रकार की विक्ट्री होगी और कांग्रेस को 115 सीटें राजस्थान में मिलेंगी। हमारे आंकड़े के हिसाब से इसमें 8 सीटें मैक्सिमम में जोड़ दीजिए, 107 मैक्सिमम और मिनिमम 91 है, और इन दोनों का मीन निकालें आप तो कहीं ना कहीं 104 सीटें दिखाई दे रही हैं, और 104 में भी आप वहां 11 सीटें जोड़ दीजिए स्वामी जी की तरफ से, और सरकार स्थिर सरकार बनाइए, वो ये उनकी वहां की जनता तय करेगी ज़रूर। और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां रख रहे थे स्वामी जी, जरा आना चाहता हूं इधर शकील अख्तर साहब,
राजस्थान को बहुत नज़दीक से आप देखे हैं, समझे हैं, आपने रहा, आप रहे हैं वहाँ पे, जाना है आपने उस पूरे प्रदेश को, अलग अलग पार्ट के हिसाब से कौन सा एरिया अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इन सब को अगर देखा जाए, दोनों की लीडरशिप को देखा जाए, बहुत मजबूत दिखाई देता है आपको? शहरी, ग्रामीण, उसके अलावा अलग अलग पार्ट, हड़ौती, शेखावती, ये सब जितने हैं, ढूंढार, इन सब को सारी चीज़ें आपके सामने रख चुके हैं। देखिए, राजस्थान के बारे में सबसे पहले तो हम एक बात कहना चाहेंगे कि वहाँ जो मुकाबला है दो कमज़ोर टीमों के बीच में है। दोनों जो हैं अपने अपने आंतरिक गुटबाजी से बुरी तरह जूझ रही हैं, इसलिए दोनों में से जो कम गलती करेगा वो थोड़ा ज़्यादा सीटें ले आएगा। इसलिए आपका जो ओपिनियन पोल है राजस्थान के बारे में, हमें वो काफ़ी सटीक लगता है। हमें लगता है कि इसी के आसपास जो है रहने वाला है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े का कोई ठीक से सोल्यूशन समय रहते निकाला नहीं, मगर अब लग रहा है कि दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कोई ऐसा विरोध दिख नहीं रहा है। लेकिन बीजेपी के अंदर अभी भी वसुंधरा राजे जो हैं वो अपना जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी कोई बात सुनने और मानने को तैयार नहीं है। वो उसी ज़ोर शोर से प्रचार कर रही हैं जिसके लिए उन्हें शायद मना किया गया है कि आप भी एक दूसरे कैंडिडेट की तरह हैं, लेकिन वो कैंडिडेट की तरह नहीं, एक नेता के तौर पर वहाँ पर अपने आप को इम्पोज कर रही हैं। तो राजस्थान का जो हमने कहा कि जैसे एक उदाहरण के तौर पर कि दो कमज़ोर टीमों के बीच मुकाबला है, इसी तरह हम छत्तीसगढ़ के बारे में कहते हैं कि वहाँ दो मजबूत टीमों के बीच मुकाबला है। वहाँ पे बघेल साहब भी बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और बीजेपी जो कमज़ोर लगती थी वहाँ पे बीजेपी का जो अपना संगठन है वो बड़ा व्यापक है, वो उसकी दम पे एक बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो आमतौर पर कांग्रेस कहती थी कि हम 70+ लेके जाएंगे और बीजेपी को वहाँ 10 सीटें नहीं लेने देंगे, लेकिन अभी जो स्थिति है वहाँ लग रहा है कि बीजेपी की जो मैक्सिमम हमने बताई है वो 35 सीटों तक पहुँच सकती है। 35 न भी जाए तो भी बीजेपी वहाँ पे अच्छी स्थिति में पहुँच सकती है। तो ये दो अलग अलग तरह का कंट्राडिक्शंस हैं, एक राज्य में दो कमज़ोर टीमों के बीच मुकाबला, एक राज्य में दो मजबूत टीमों के बीच मुकाबला। अब आपने जो कहा कि किस क्षेत्र में राजस्थान में क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कांग्रेस सारे क्षेत्रों में अच्छा कर रही है। कांग्रेस कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में जो है वो कमज़ोर नहीं दिख रही है, और बीजेपी जो है वो इस वक्त जो है कांग्रेस को फॉलो कर रही है, कांग्रेस के पीछे है। ये एक नई स्थिति है, क्योंकि वहाँ होता ये था कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार गहलोत साहब, एक बार वसुंधरा राजे। तो इस बार क्या हुआ कि जब लोगों ने कहा कि वसुंधरा राजे अब आ ही नहीं रही हैं, बीजेपी ने उन्हें आगे किए ही नहीं है, तो फिर एक बार और गहलोत साहब ही हो जाएं, फिर दोबारा हो जाएं, तो ये लगता है कि वहाँ का जो चलन है वो शायद इस बार टूटने जा रहा है और कांग्रेस की वहाँ पे वापसी होने वाली है। दूसरी एक बात जो बड़ी ख़ास है वो ये है कि जो एक छत्तीसगढ़ के अंदर जो आप बात कर रहे थे, इतना जो करीबी मुकाबला है वो इस तरह उसको हम देखते हैं कि वहाँ देखिए धान का इशू या अनाज का इशू एक बहुत बड़ा इशू है। मोदी जी वहाँ गए थे और उन्होंने 3,100 रुपये MSP घोषित करके आए थे और ये इतना बड़ा इशू बन गया था वहाँ पे, आप वहाँ थे, आप देख रहे होंगे। और उसके बाद जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 3,200 किया तो फिर बाजी पलटी है। ये एक लगातार खेल चल रहा है और फिर मोदी जी ने 5 किलो मुफ्त अनाज की घोषणा देखी और कहीं से नहीं करी उन्होंने छत्तीसगढ़ से ही करी और उस दुर्ग से की जहाँ पे कल वोटिंग होने वाली है। और जो सीटें हैं वहाँ पे 12 बस्तर संभाग के अंदर, उनमें से 11 जो हैं आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं उन 20 सीटों में लाभार्थी हैं। एक बहुत ही बड़ा दांव खेला है मोदी जी ने, अब उसका क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा ये तो कहना मुश्किल है, मगर ये जो आपके आंकड़े बता रहे हैं ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कि कांग्रेस अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी अभी तक 60 के पास ही पहुंच रही है, उससे आगे नहीं जा पा रही है, और ये शायद हमें लगता है कि हकीकत है जी। तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन तीन राज्यों में बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में, राजस्थान में थोड़ा सा 91 से 107 और